Hello everyone and welcome back to my channel. So happy monsoon guys, finally बारिश start हो गई है and मुंबई में 3-4 दिन से continue बारिश गिर रही है. काफ़ी सारा पानी भी भर गया है कहीं ना कहीं न्यूज़ में जैसे देखती हूँ. सो गाइज ओके, तो मानसून स्टार्ट हो गया, बारिश काफ़ी ज़ोरों से बढ़ रही है, तो आपको मानसून टिप्स तो चाहिए होंगे राइट. तो आज मैं आपके साथ 6 मानसून टिप्स शेयर करने वाली हूँ एंड डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी. एंड वन मोर थिंग, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो, अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो ज़रूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड उसके बाजू में जो बेल बटन है उसे भी हिट कर देना ताकि आप नोटिफाई रहे. एंड जिन्होंने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है थैंक यू सो मच, लेकिन आपने अगर बेल बटन को हिट नहीं किया तो जरूर से हिट कर देना एंड यू नो आपको नोटिफिकेशन बहुत जल्दी मिल जाएगा. तो चलिए मानसून के जो भी टिप्स है उसे हम स्टार्ट करते हैं. ये जो टिप्स है वो दोनों के लिए है, बॉयज के लिए भी है और गर्ल्स के लिए भी है एंड ये काफी बेसिक टिप्स है जो आप हमेशा फॉलो कर सकते हो. सो टिप नंबर 1 कि आपको काफी सारा पानी पीना चाहिए क्योंकि मानसून है. मानसून में कैसे इन्वायरमेंट काफी कोल्ड रहता है एंड आप भी काफ़ी हाइड्रेटेड फील करते हो, आपको ज़्यादा प्यास नहीं लगती, लेकिन आपके बॉडी को पानी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन आपको नीड फील नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी आप काफ़ी कोल्ड फील करते हो. तो कोल्ड में कैसे होता है कि आपको ज़्यादा प्यास नहीं लगती है, तो ये आपको खुद को ही रिमाइंड करना चाहिए कि आपको आधे घंटे में हमेशा पानी पीना है या एक घंटा आधा घंटा जो भी आपका रूटीन हो, लेकिन आपको नॉर्मल 7 से 8 ग्लास तक आपको वाटर डेली पीना है. मिनिमम वाटर आपको इतना पीना ही है दिन में ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे एंड आपको कोई ही यू नो इन्फेक्शन वगैरह ना हो, फॉर एग्जांपल यूटीआई वगैरह ना हो. हमेशा यू नो जब आप कम पानी पीते हो उसके वजह से यूटीआई होने के चांसेस होते, तो मे बी बारिश में ये हो सकता है क्योंकि ऑटोमेटिकली आपका जो पानी पीने का जो तरीका होता है वो काफ़ी कम हो जाता है. सो गाइज हमेशा काफ़ी सारा पानी पीजिएगा. टिप नंबर 2, अगर आप बाहर जा रहे हो तो आप काफ़ी ज़्यादा थिक मटेरियल बिल्कुल यूज़ मत करना, फॉर एग्जांपल जीन्स या फिर ऐसा कोई है मटेरियल जो काफ़ी ज़्यादा थिक है. अगर आप बाहर जाते हो, अगर आप भीग गए तो यू नो सूखने के काफ़ी कम चांसेस है और काफ़ी टाइम लगेगा ऐसे क्लोथ्स को सूखने के लिए, तो आप ऐसे मटेरियल बिल्कुल भी यूज़ मत करना. आप चाहे तो डेनिम यूज़ कर सकते हो, नॉर्मल लेगिंग्स आप पहन सकते हो या फिर अगर शॉर्ट वगैरह आप पहन सकते हो तो आप ऐसे टाइप के कपड़े पहनना शुरू कर दीजिए. बारिश में आप कभी भी ज़्यादा थिक मटेरियल यूज़ मत करना. टिप नंबर 3, मानसून में यू नो बारिश होती है, काफ़ी सारा भीगने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो आप अगर बाहर जा रहे हो तो ट्राई कीजिए कि कम से कम आप मेकअप कीजिए एंड अगर आपको इम्पॉर्टेंट है मेकअप आपको करना ही है तो आप ये भी ट्राई कीजिए कि आप जो भी मेकअप करो वो वाटरप्रूफ मेकअप करो, क्योंकि ना आपको ये अच्छा नहीं लगेगा कि आप लाइनर वगैरह मस्कारा अप्लाई कर रहे हो जो वाटरप्रूफ नहीं है एंड अगर आप भीगते हो तो यू नो सब निकल जाए, बह जाए आपका मेकअप, ऐसा ऑफकोर्स आपको नहीं चाहिए. तो गाइज ऑलवेज ट्राई कि आप वाटरप्रूफ मेकअप अप्लाई कीजिए या फिर काफ़ी कम मेकअप आप यूज़ कीजिए अपने फेस पे. टिप नंबर 4 कि आपको अपनी स्किन एंड आपके हेयर्स का ख्याल रखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. आप अगर बाहर जाते हो भीगने के ऑफकोर्स चांसेस होते ही है, अगर कितना भी आप बच जाओ आप थोड़ा बहुत तो भीग ही जाते हो, तो जो भी वाटर जो होता है आपके स्किन या हेयर के साथ कॉन्टैक्ट करते हैं वो वाटर इतना अच्छा नहीं होता है, उसमें काफ़ी सारा पोल्यूशन होता है, बैक्टीरियाज होते हैं जो आपके स्किन के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. तो हमेशा आप अपना जो भी स्किन केयर है वो आपको फॉलो करना चाहिए, आपको वो कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए. तो मानसून में आपका जो भी स्किन केयर है वो हमेशा आप रेगुलरली फॉलो कीजिए ताकि आपको बारिश से कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो एंड आपको अपने हेयर का भी वैसे ही ख्याल रखना है, आपको अच्छे से हेयर वॉश करना है. अगर आप बाहर जा रहे हो तो ट्राई कीजिए कि आप अपने हेयर अच्छे से टाई कर लो ऊपर या फिर अच्छे से कवर कर लो ताकि वो भीगे ना, क्योंकि बारिश में होता है कि जब आपके हेयर भीगते हैं काफ़ी ज़्यादा तो डैंड्रफ होने के चांसेस होते हैं, तो इसे अवॉइड करने के लिए आपको आपके हेयर अच्छे से टाई करने चाहिए या फिर अच्छे से कवर करने चाहिए. टिप नंबर 5, अभी मानसून है गाइज एंड यू नो किसी किसी का मन होता है कि बारिश दिखगी या फिर फ्रेंड्स के साथ है तो भीग लिया, तो ऐसे में क्या करें? अगर आप भीग गए आपके कपड़े भी गीले हो जाते हैं एंड यू नो अगर आप गीले कपड़े में काफ़ी टाइम तक रहते हो तो आपको इचिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, काफ़ी सारा इन्फेक्शन आपके बॉडी में हो सकता है, आपको स्किन में हो सकता है, तो बेटर है कि आप हमेशा एक्स्ट्रा क्लोथ्स कैरी करो. मैं इसीलिए भी नहीं कर रही हूँ कि आप भीग रहे हो इसलिए नहीं, अगर आप ऑफिस जा रहे हो या फिर आप कॉलेज जा रहे हो तो अगर आप भीगते हो इन केस तो आप जाकर वहाँ चेंज कर सकते हो, इसलिए आप हमेशा एक्स्ट्रा टॉप या फिर एक्स्ट्रा शर्ट हमेशा कैरी कीजिएगा.
टिप नंबर 6, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टिप है जो है अलर्ट। अगर आप मुंबई में हो ना गाइज, मैं आपको डेफिनेटली बता दूं, मुंबई में हो ना, अगर आपको बाहर जाना है तो फर्स्ट अलर्ट रहना, मतलब आपको पहले न्यूज देखनी चाहिए। न्यूज में आपको सब कुछ पता चल ही जाएगा, कहाँ पानी भरा, ट्रेन चालू है, ट्रेन बंद है, तो हमेशा अलर्ट रहिए। ऐसे ही बाहर कभी भी मत निकले, क्योंकि आपको अंदाजा नहीं होता है कि रात भर में क्या क्या हो जाए, तो अलर्ट हमेशा रहना। तो फर्स्ट क्या, हमेशा आप न्यूज देखिए, अपडेट लेते रहिए अगर आप ऑफिस जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो। सेकंड, अगर आप कार से कहाँ जा रहे हो, पानी वगैरह कहाँ कहीं भर गया है, तो अलर्ट होके ड्राइव कीजिएगा, क्योंकि रास्ते पे पता नहीं कभी क्या हो जाए और कहाँ गड्ढा बिड्ढा आ जाए और आप गिर जाओ, तो ये एक है। थर्ड टिप है कि आप इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो भी होते हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक पोल हो गया, या फिर ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है जहाँ पर वायर वगैरह का ज़्यादा कनेक्शन है, वहाँ से हमेशा दूर रहिए, क्योंकि ऐसे सारे चीज़ों पे ना इंसिडेंट होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। तो हमेशा अलर्ट रहिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप वहाँ मत जाइए, यहाँ मत जाइए, बट आप कहीं भी जाओ अलर्ट रहो, हमेशा अपना ख्याल रखो, क्योंकि बारिश में काफ़ी सारे इंसिडेंट होते हैं गाइस, तो अपना भी ख्याल रखो एंड साथ ही साथ मानसून को भी इंजॉय करो। सो यस, यही थी मेरे 6 टिप्स एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने इंजॉय किया होगा एंड डेफिनेटली आप ये टिप्स यूज करोगे। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल बटन को भी हिट कर देना है। एंड अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। एंड मैं आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।